बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन को कवर करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के जरिए हम किसी भी वर्ड या मार्क का सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। किसी भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को किसी न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई मार्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंट्रल रीजन था, हमने रीजन को यहाँ पर चेंज करके इधर जून कर दिया। तो कैसे किया है आपको मैं बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट आर्गूमेंट के अंदर हम देते हैं इसमें टेक्स्ट। आप यहाँ देख सकते हैं इसका सेंटेक्स यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट आर्गूमेंट के अंदर हम टेक्स्ट के अंदर सेल देंगे, यहाँ पर सेल का रेफरेंस देंगे, कोमा, उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पर रीजन है, इस रीजन को मैंने रिप्लेस करना है। उसके बाद है न्यू टेक्स्ट, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, तो वो इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। उसके बाद ये फोर्थ है, यहाँ पर ये कंडीशनल है, इंस्टेंस नंबर। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो जहाँ वर्ड रीजन है वहाँ पर रिप्लेस होकर जून लग गया। तो ये था सब्स्टिट्यूट, इस तरह से वर्क करता है। इसके चार आर्गूमेंट्स हैं। फर्स्ट के अंदर है सेल का एड्रेस, सेकंड के अंदर है ओल्ड टेक्स्ट, और थर्ड के अंदर है न्यू टेक्स्ट, और फोर्थ के अंदर है इंस्टेंस नंबर। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इसको मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर लिखा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है आई कैन रन फास्टर देन हिम, यहाँ पर फास्टर जो है वो लोअर केस में है। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर फास्टर अपर केस में है, और जो थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पर दो दफ़ा फास्टर मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाकर यहाँ पर चेक करता हूँ कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से वर्क करता है। सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कंटेनिंग वैल्यूज कोमा, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास में फास्टर, सेम फॉर्मेट में लिखना है आपने, यानी लोअर केस में मैंने यहाँ पर लिखा फास्टर, इसको रिप्लेस कर देना है मैंने स्लोअर से, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर वर्ड रिप्लेस हो गया फास्टर। अब हम इसको रेस्ट ऑफ सेल में यहाँ पर ड्रैग करते हैं, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो व्यूअर्स, ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड जो फास्टर था वो अपर केस में है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है इधर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर जो फास्टर था वो अपर केस में था, तो इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्टर दो दफ़ा है, तो ये दोनों से रिप्लेस हो गया स्लोवर के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस के अंदर चाहे कोई वर्ड 100 मरतबा ही क्यों ना हो, तो आप इस फंक्शन के ज़रिए से उन तमाम की जगह आप कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स ली हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट फंक्शन के ज़रिए से यहाँ पर मैंने रिजल्ट अचीव किया है। तो व्यूअर्स, अगर आप आईडी कार्ड में से डीलिमिटर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इन डैशेस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट दिस सेल कोमा, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर आपने लिख देना है डैश इन्वर्टेड कोमास में, फिर कोमा प्रेस करके आपने डैश की जगह कुछ भी नहीं लिखना, तो आपने इन्वर्टेड कोमास को ओपन करना है और साथ ही क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये रिप्लेस हो गया। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इनवॉइस नंबर है PFL, कंपनी का नेम है, 101 इनवॉइस नंबर है, 2022 ये ईयर है। अब इसके अंदर आप अगर 2022 को अलहदा करना चाहते हैं और PFL कंपनी के नेम और उसके इनवॉइस नंबर को इकट्ठा करना चाहते हैं, इस डीलिमिटर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे व्यूअर्स? यहाँ पर अब इंस्टेंस का नंबर का भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कोमा ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट है ये डीलिमिटर, इसको रिप्लेस कर देना मैंने इनवर्टेड कोमास क्लोज कोमा इनवर्टेड कोमास ओपन क्लोज, यानी मैंने इसकी जगह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद कोमा, यहाँ पर आ गया इंस्टेंस नंबर। अब इंस्टेंस नंबर इसलिए होता है कि यहाँ पर दो दफ़ा ये डैश है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, तो आपने कौन सी वाली ख़त्म करनी है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर वाली डैश ख़त्म हो गई है जबकि सेकेंड नंबर वाली यहाँ पर मौजूद है। अगर आप सेकेंड नंबर वाली ख़त्म करना चाहते हैं और फर्स्ट नंबर वाली को यहाँ पर रहने देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टेंस नंबर के अंदर आप इसको कर देंगे टू, यानी सेकंड नंबर वाली डैश हम ख़त्म करना चाहते हैं और एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाली ख़त्म हो गई है।
इसी तरह व्यूअर्स अगर मोबाइल नंबर में से आपने ख़त्म करनी है डैश तो आप यहाँ पर इसी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मुल्तान के बाद कोम है और उसके बाद यहाँ पर कोड है, सिटी का कोड है। तो इसको कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इस कोमा की जगह मैंने डैश लगानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्सटीट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कोमा और टेक्स्ट है कोमा, कोमा लिखना है आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर, फिर कोमा और फिर आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर जिस टेक्स्ट से आपने रिप्लेस करना है उसको लिख दें। मैंने यहाँ पर डैश लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। इसको ज़रा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ अगेन फार्मूला। फर्स्ट नंबर के अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट किया, होल टेक्स्ट के अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा कोमा कि मैंने कोमा को रिप्लेस करना है, किससे करना है, न्यू टेक्स्ट के अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमास में डैश लिख दी और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमा की जगह डैश आ चुकी है। इसको मैंने यहाँ पर टैग कर दिया। अब व्यूअर्स नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स हम सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं इस वर्ड ऑफिस को इन वर्ड्स के साथ, यानी हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट को एक नए अंदाज से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट के अंदर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल रेफरेंस के जरिए से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने रिप्लेस करके ऑफिस के साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना है, थर्ड में एक्सेस और फोर्थ में पावर पॉइंट इक्वल सब्सटीट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट दिस सेल कॉमा ओल्ड टेक्स्ट के अंदर किसको रिप्लेस करना है हमने ऑफिस को, इनवर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, उसके बाद किस से रिप्लेस करना है। आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में उसका नेम भी लिख सकते हैं और सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल का रेफरेंस देंगे हम, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लग गया है। अब यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर दूंगा रेस्ट ऑफ सेल्स में, तो जहाँ पर वर्ड है यहाँ पर वर्ड लग गया, इधर एक्सेस लिखा है यहाँ पर एक्सेस लग गया, यहाँ पर पावर पॉइंट है तो ये पावर पॉइंट यहाँ पर लग चुका है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई तब्दीली करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगेन थर्ड एग्जांपल के अंदर मैंने पहले आपको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन का बताया, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में है नवाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नवाज शरीफ की जगह कर दिया इमरान खान। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करें कोमा, होल टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर आप लिख दें नेम, लिखते हैं पर्सन का जो पहले प्राइम मिनिस्टर था, और उसकी जगह यहाँ पर हम कर देंगे स्पेल आपने बिल्कुल सेम करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो ये रिप्लेस हो गया। अब व्यूअर्स कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम सब्स्टिट्यूट को कवर करते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा सेट है मेरे पास, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर एम्प्लॉई आईडी है विद कंपनी नेम, तो कंपनी नेम है एस ए एंड को और साथ ही उसका एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ एम्प्लॉई आईडी को लिखना चाहते हैं, कंपनी नेम को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन के जरिए से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कोमा ओल्ड टेक्स्ट के अंदर आपने इस एस और ए को ख़त्म करना है और न्यू के अंदर क्या लिखना है कुछ भी नहीं लिखना, तो आप इन्वर्टेड कोमास ओपन करें और साथ ही क्लोज कर दें ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ से ये एस ए ख़त्म हो गया। रेस्ट ऑफ सेल्स में अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं तमाम सेल्स के अंदर हमने एस ए कितने ही कम वक्त के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब व्यूअर्स यहाँ पर अगर कोई वर्ड आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हर सेल के अंदर रीजन लिखा है, तो रीजन की जगह हम जून लिखना चाहते हैं, तो ये काम भी आप सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट है रीजन, इसको रिप्लेस करके हमने लिखना है जून ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये काम हो गया। इसको रेस्ट ऑफ सेल्स में अप्लाई करें तो तमाम जहाँ पर रीजन था वहाँ पर जून से रिप्लेस हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर व्यूअर्स अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके नेम्स आपने गलत लिख दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर केबल है जबकि आपने यहाँ पर केबल एक्सेसरीज लिखना था, तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन के जरिए से ये काम भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कोमा उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट है केबल
की जगह आपने टेबल एक्सेसरीज लिखना है। तो इनवर्टेड कॉमास को क्लोज करें और एंटर। अब व्यूअर्स इसमें फायदा ये होगा, जहां वर्ड केबल होगा सिर्फ वही रिप्लेस होगा, बाकी तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम सेम रहेंगे। देख सकते हैं आप केबल जहां जहां वर्ड मौजूद था वो रिप्लेस होकर यहां पर आ चुका है केबल एक्सेसरीज। अब व्यूअर्स आपने ये कॉलम खत्म करना है, उसकी जगह ये कॉलम रखना है, तो उसका तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ। इन सेल्स को आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद एज अ वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एज अ वैल्यू, पेस्ट एज वैल्यू। तो ये सेव पेस्ट हो गया। अब आप इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दें तो ये यहाँ पर काम मुकम्मल हुआ। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी फंक्शन लगा हुआ है, मैं डायरेक्ट इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि इसका जो मेन कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, इसमें सेल्स को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद एज अ वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दें, पेस्ट एज वैल्यूज, और फिर आप इस कॉलम को डिलीट कर दें तो यहाँ पर ये काम मुकम्मल हो चुका। अब व्यूअर्स एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोबाइल नंबर के दरमियान से डैश खत्म करना चाहते हैं या सीएनआईसी नंबर के दरमियान से डैश करना खत्म करना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड वैल्यू, ओल्ड के अंदर है डैश, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डैश लिखा कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास ओपन करना है और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है, यानी हम इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखना चाहते, या फिर क्लोज एंटर, तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरह सीएनआईसी नंबर है, अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 363002 और यहाँ पर मैं एक इजाफा और कर देता हूँ, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी दफ़ा भी डैश थी वो डैश यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप CNIC नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मौजूद डैशेस को ख़त्म कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन के जरिए से। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ करके अपने बहुत से वक्त को सेव कर सकते हैं और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। Thanks for watching this video.